गुड मॉर्निंग। आजकल तो पूरा रूटीन ही चेंज हो गया है। पहले शॉप खुलने का हम लोग वेट करते थे कि 10-11 बजे शॉप खुलेगी। आजकल तो बस सो के उठो और लगता है कि जल्दी से जाकर सामान लेकर आ जाओ, क्योंकि फिर सामान मिलता भी नहीं और पुलिस वाले वगैरह लगे रहते तो वो जल्दी घर जाओ ऐसा बोलते रहते हैं। बस आजकल तो हम लोग भी ना यूज्ड टू हो गए हैं इस टाइप की जिंदगी जीने में। पहले मतलब सुबह उठ करके सबसे पहले लगता था चाय नाश्ता करो, खाना बनाओ और दोपहर या शाम को जाएंगे मार्केट। लेकिन आजकल तो बस मॉर्निंग में उठो और जल्दी से पहले मार्केट का काम फिनिश करके फिर घर पे रेस्ट करो, ऐसा वाला हाल हो गया है। कितना बज गया? 11:30। 11:30 बजे इतने बजे मैं आई हूँ तो आप किचन में कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज सोचा है कि कुछ स्पेशल टाइप का बनाया जाए, क्योंकि बाहर से कुछ भी ला नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं बनाने का सोच रही हूँ जलेबी, क्योंकि पहले क्या होता था पोहा घर पे ही बना लेते थे और जलेबी बाहर से मंगा लेते थे, लेकिन अब तो कुछ मिल नहीं रहा है बाहर से खाने के लिए जो तुरंत बन जाती है। इंस्टेंट जलेबी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वही घर पे आज जलेबी और पोहा बनाऊंगी। तो उसी की तैयारी में सुबह थोड़ा बहुत दही वगैरह निकाल करके पहले से बाहर रख लिया था, क्योंकि जलेबी बनाने के लिए थोड़ा सा दही खट्टा चाहिए था। तो मैंने मॉर्निंग में ही दही बाहर निकाल दिया था फ्रिज से, जिससे थोड़ा वो खट्टा हो जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले जलेबी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर पोहा बनाऊंगी। तो आज हम लोग मस्त एंजॉय करेंगे पोहा जलेबी, वो भी घर की जलेबी। आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करती हूँ जलेबी की। जलेबी का बैटर बनाने के लिए एक बॉल में हम 1 कप छना हुआ मैदा लेंगे और इसी में 1/4 कप खट्टा दही डालेंगे। दही बहुत अच्छे से खट्टा होना चाहिए, अगर दही खट्टा नहीं हुआ तो जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने सुबह ही फ्रिज से दही निकाल करके बाहर रख दी थी। अब मैं इसको हाथ से ही दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, लम्स बन जाएंगे, तो बिल्कुल भी अच्छी जलेबी नहीं बनेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डालिए और अच्छे से मिक्स करके फेंटिए इसको। इसको जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतनी अच्छी जलेबी बनेगी। देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाती हूँ और इसको अच्छे से फेंटती जाऊँगी। फेंटने में हाथ तो दुखने लगता है, लेकिन हमें अगर बढ़िया वाली जलेबी खानी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरा भी हाथ दर्द करने लगा था, लेकिन वो ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी अच्छी जलेबी घर में बनाकर खाना है तो हेल्दी जलेबी। तो ये देखिए मैं ऐसे फेंट ली हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ऊपर से जब हम गिराएं बैटर को तो अच्छे से बिल्कुल स्मूथली गिरना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया। अब मैं चाशनी बनाऊंगी। एक गंज में मैंने 2 कप शक्कर डाली है और इसमें 1.5 कप पानी जाएगा। 1 कप पानी मैंने डाल दिया था, 1/2 कप और डाल रही हूँ। तो 2 कप शक्कर में 1.5 कप पानी जाएगा। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया। अब मैं इसको चलाती रहूँगी जिससे शक्कर जल्दी घुल जाए। अब इसमें 4 मैं इलायची का पाउडर डाल दूँगी। इसको अब चलाते जाएंगे और ज़्यादा देर तक चाशनी को नहीं पकाना है। एक तार की भी चाशनी नहीं बननी चाहिए, आधे तार बस चाशनी ज़रा सा लगे कि बस चिपकने लगी है तभी हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और मैं इसको दूसरे तरफ रख दूँगी और गैस ऑफ है जहाँ चाशनी रखी हुई है। अब मैं इस कढ़ाई वाली गैस को ऑन करूँगी और इसमें घी डालूँगी। मैं जलेबी घी से बना रही हूँ, आप चाहें तो तेल से भी बना सकते हैं। मैदा और दही का मिक्सचर था, इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे। जब तक इसमें बबल्स न दिखने लगे तब तक इसको फेंटते रहना है। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 या 2 चम्मच पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
और इसमें जब तक बबल्स नहीं दिखने लगे जब तक इसको थोड़ा सा फेंटते रहिएगा। ये देखिए इसमें बबल्स दिखने लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया था क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब मैंने गैस ऑन कर लिया। और ये मेरे पास जलेबी मेकर है, मिक्सचर बना बनाया मिलता है जो मार्केट में, उसके साथ मुझे मिला था, तो ये मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप दूध की थैली में भी बना सकते हैं। कैमरा ऑन करना भूल गई थी बनाते समय का, जब मैं जलेबी इसमें डाल रही थी। तो आगे अभी आप देखेंगे कि मैंने कैसे जलेबी बनाई थी जलेबी मेकर से। ये अलट पलट करते जाएंगे दोनों तरफ बहुत अच्छे से, जब सिक जाएगी हल्की ब्राउन तो इसको घी निकाल करके मैं चाशनी में डुबो दूंगी। ये भी हो गई, इसको भी मैं चाशनी में डुबो रही हूँ। और चाशनी में सिर्फ 2 या 3 मिनट रखना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। ये देखिए ये 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल करके अलग से प्लेट में रख लूँगी। ये चाशनी पी ली है जलेबी, अब इसको मैं प्लेट में निकाल कर रख रही हूँ। बहुत ही कुरकुरी जलेबी बनी थी। ये देखिए मैं आपको अब दिखा रही हूँ, ऐसे मैंने बनाया है जलेबी मेकर से, बहुत इजी बन जाता है। बस ये कि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो जलेबी फैलने लगेगी। ये ऐसे जलेबी मैं बना लूँगी, छोटी बड़ी जैसे ही आप चाहें वैसे बना सकते हैं। हलवाई लोग तो कोई एक स्पेशल कपड़ा आता है इसका जलेबी बनाने का, उससे बनाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए यही ठीक है। आप चाहें तो सॉस की बॉटल आती है उससे भी बना सकते हैं। ये इनको मैं पलट दूंगी और ये चिमटे की हेल्प से मैं पलट रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया, अब इसमें मैंने मीठी नीम डाल दी, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी काट करके, अब इसमें मैं राई और जीरा भी डाल रही हूँ। गैस को सिम कर दी और फिर प्याज डाल दिया। गैस तो अपने हिसाब से आप तेज़ धीमा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने भुनी हुई मूंगफली डाल दी क्योंकि मेरे पास भुनी रखी हुई थी। अब थोड़ा इसको भून लेंगे, फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। मैंने पोहा को पहले से धोकर रख लिया है, अब मैं इसमें पोहा डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने धनिया पत्ती डाल दिया, इसको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ें। अब इसमें मैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। इसमें नींबू डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नींबू डालने के बाद, तो मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और बस हमारा पोहा रेडी, और गैस को मैंने बंद कर दिया। इस तरह पोहा और जलेबी, आज का नाश्ता बिल्कुल